आप सिखा दी जरा सबको यही रखना आके यहाँ बात कर लेंगे मैं आऊंगा फिर मिलेंगे आस पास में किसका घर है आस पास में जिसके घर में वहाँ बिठा दो वही आ जाऊंगा आस पास में अगर किसका घर हो वहाँ मिल সাধু 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 আছে হ্যাঁ হ্যাঁ आप लोग यहीं रुक जाओ प्लीज नाम लो जाना भी क्या आजकल जरा थोड़ा ना जी जी नहीं तो मुझे लगता है उचित होगा देखिए आज इतना जरूर है कि जो दुनिया में या जो भारत में उसकी तुलना में बंगाल में जो चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तो उसमें भारी कमी है और अभी 2-2.5-3 महीने हमारे पास समय मिला था मुझे लगता था उसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते थे लेकिन जिस तेज़ी से हमको काम करना चाहिए था उस तेज़ी से काम हुआ नहीं ऐसा मुझे लगता है लेकिन ये अगले 2-4-5 दिनों में जब मैं घूमूंगा उसके बाद मैं सही बता पाऊंगा क्योंकि मेरा काम है मैं क्षेत्र में जाऊँ वहाँ की व्यवस्था देखूँ क्वारंटाइन सेंटर देखूँ अस्पताल देखूँ उस हिसाब से यहाँ के प्रशासन यहाँ की सरकार और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी केंद्र सरकार को मैं जानकारी दूँ राज्य सरकार कमियाँ दिखाई दी आपको देखिए अब फिर वही बात हो जाती है लोग कहेंगे कि राजू जी पॉलिटिक्स करने लग गए हैं लेकिन देखिए वास्तविकता ये है कि जो है आज दुनिया में जो है जो डेथ रेट का परसेंटेज है वो 5.6% मतलब 5.5% है और भारत पूरे भारत के अंदर में 2.86% अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं 5.8% है तो इससे पता चलता है कि भारत की तुलना में हमारे डेथ रेट जो है वो डबल है अब डेथ रेट डबल होने का मतलब ये होता है कि जिस तरह की चिकित्सा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है दूसरी जो समस्या बहुत बढ़िया दिखती है सैंपल जो है बहुत कम टेस्ट हो रहे हैं जब सैंपल कम टेस्ट होंगे तो जो है हम कितने कोरोना है उसकी जानकारी नहीं कर पाएंगे जैसे मैं आज बात करूं पूरे हिंदुस्तान में जो है 55 लाख सैंपल टेस्ट हो चुके हैं केवल महाराष्ट्र की बात करूं 6 लाख से ज़्यादा जो है सैंपल टेस्ट हो चुके हैं पूरे पश्चिम बंगाल की बात करूं अभी तक 2.5 लाख हुई और उसमें से भी मैं नॉर्थ बंगाल की बात करूं तो बहुत कम हुए और इस वजह से क्या हो रहा है एक बहुत बड़ी समस्या जो निकल के आ रही है कि आज बहुत सारे लोग जो है क्वारंटाइन सेंटर में हैं उन्होंने अपने सैंपल टेस्ट के ले दिए उनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया वो घर को चले गए बाद में पता चल रहा है कि वो तो पॉजिटिव आए फिर उनको ढूंढा जा रहा है तब तक तो पता नहीं कितने लोगों से वो दादा मेडिकल कॉलेज में 10 से 12 डॉक्टर इंक्लूडिंग मेडिकल स्टाफ ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और आपने पहले भी विजिट किया था नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का और आपको पता भी है कि ब्लॉक हेल्थ सेंटर में क्या फैसिलिटीज है क्या लगता है आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है देखिए और ये तो मैं डे वन से बोल रहा हूँ कि पूरे बंगाल के अंदर में चिकित्सा को लेकर के आज तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया मैं बार बार बोलता हूँ हमको एक फुल टाइमर जो है हमको मंत्री चाहिए जो इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए ध्यान दे
ये मैं डे वन से बोल रहा हूँ कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होने के कारण जो है हमारे यहाँ पे जो एक बेसिक एक मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आम आदमी की वो बिल्कुल नहीं है। आज देखिए इस कोरोना महामारी के समय में भी आज हिंदुस्तान कई लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया इमिडिएटली इसलिए हम बच गए, तो हमारे को काफी टाइम मिल गया। पहले जहाँ हिंदुस्तान में एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, अब रोज 5 लाख बन रहा है। तो ममता बनर्जी क्या हेल्थ मिनिस्टर हिसाब से ठीक नहीं है वो? मुझे लगता है ममता दीदी को रिजाइन कर देना चाहिए हेल्थ मिनिस्ट्री से और किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़वा देना चाहिए जिससे 100% टाइम जो है वो हेल्थ के ऊपर में लगा सके। ठीक है सर, थैंक यू।